राम राम भाई, सारे भाइयों ने। ये देखो भाई, अपना देसी खाना पीना, सरसम का साग, मक्के की रोटी, नूनी घी, गुड़, मिर्च और अपने शीत गाला भाई, मजा आ जाएगा। ये है देसी खाना, इसने खा के मानस कति खपीटर हो जाए। गाइस, अब तक मैंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी, लेकिन फ्यूचर प्लान्स कुछ ऐसे बन रहे हैं, बिना वैक्सीन के काम चलेगा नहीं। वैक्सीन के बारे में मेरे विचार थोड़े अलग थे, लेकिन अब बिना लगवाए काम नहीं चलेगा, अब लगवानी है तो यार लगवानी पड़ेगी। बाकी देखो कौन सी लगती है। अपना दोस्त मनीष बता रहा था कि कोवैक्सीन लगवाना, उससे बीमार नहीं होते। अब भाई जोन सी मिलेगी भाई, ठुकवा लेंगे हम तो, सारी एक जैसी हैं, जब लग गए हैं। ये वैक्सीन भी यार अब हर जगह लग नहीं रही। नजफगढ़ में सेंटर में पता किया, वहां पे भी नहीं लग रही। जाफरपुर पता किया, वहां पे भी नहीं लग रही। बाकी बहन के हॉस्पिटल में पता किया, वहां पे भी नहीं लग रही। बाकी देखो अभी दीनदयाल जा रहे हैं, वहां पे शायद लग रही है, पता चला है, लगवाते हैं चल के। ये भाई दीनदयाल हॉस्पिटल है, यहाँ पे हमारी बहन ने नर्सिंग की थी, तो इसका स्टाफ चलता है। ये आगे जा रही है मटक मटक के, जाते ही यहाँ पे वैक्सीन लग जाएगी हमें। ये वैक्सीनेशन साइट तो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कुछ लग तो रानी का लगता भी है कहीं पे कुछ। बाकी देखते हैं, पूछ के पता करते हैं क्या है। यार वैक्सीनेशन रूम अंदर ही है, हम भी बाहर कोई लगवाता नहीं है। वैक्सीन अब काफ़ी कम हो गई है, इसलिए यहाँ पे ऐसे बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं, लेकिन वैक्सीन अंदर ही लग रही है। यार इतनी उम्मीद से आने के बाद अपने को वैक्सीन एक बार फिर से नहीं लगी है, यहाँ पे भी वैक्सीन आई नहीं रही। बोल रहे दिल्ली गवर्नमेंट में वैक्सीन काफ़ी कम आ रही है, सैटरडे या फ्राइडे को पूछने के लिए बोला है। तो यार अपने को वैक्सीन तो लग नहीं पाई, लेकिन अभी जा रहे हैं गुड़गांव। वहाँ पे एक जगह है जहाँ पे H&M, जारा वगैरह सब हर चीज़ का ओरिजिनल मटेरियल मिलता है और सस्ते दामों में मिलता है। होते मतलब थोड़े डिफेक्ट पीसीज है, जैसे बटन इधर उधर हो गया, लेकिन से क्लियरेंस सेल लगती है पूरे गुड़गांव का, वहीं पे माल आता है। तो H&M जारा की शॉपिंग करने चलते हैं आज। ये देखो भाई, द्वारका के पेट्रोल पंप पे सर्विस देखो, फ्री में साफ हो रहा है शीशा, बिल्कुल मस्त चमका दिया है। वाइपर के भी दो लगे हुए हैं, एक तरफ से ये एक ये, अब नीचे कर दिया। थैंक यू अंकल। अब ये देखो भाई, नीचे से भी कर रहे हैं, बिल्कुल चमका दिया है। थैंक यू अंकल जी, थैंक यू। बढ़िया भाई, मस्त शीशा चमका दिया, ऐसी सर्विस होनी चाहिए हर पेट्रोल पंप पे। भाई फाइनली पहुंच गए, बड़ी मुश्किल से मिला, दोस्तों की सहायता लेनी पड़ी, यहाँ पे पहुंच गए हम। अंदर चल के आपको दिखाते हैं आज। ये भाई यहाँ पे लेडीज के मफलर वगैरह टंगे हुए हैं, ये बेल्ट देख लो, 70 तरीके की बेल्ट वगैरह। आगे भाई कंबल वगैरह भी हैं, ग्लव्स वगैरह भी हैं, उसके ग्लव्स ले लूं, ग्लव्स देख लो मैम, देखो देखो, पर्स भी हैं, हर चीज मिलती है यहाँ पे भाई, और क्वालिटी काफी अच्छी है। मफलर्स बाय वन गेट वन इन हाफ वैल्यू, मफलर्स 3 इंचेस 200। चश्मे भी है भाई। ये तकिए देखो भाई, बोल्स्टर कहते हैं इन्हें, 450 रुपए में, सेट ऑफ 3 1199 में। ये ग्लव्स देखो भाई, बाइक के लिए देख रहे हैं, अंदर से क्वालिटी काफी अच्छी है और बस 150 रुपए में है, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है, ओरिजिनल माल है। ये भाई बच्चों के लिए अंडरवियर वगैरह देखो, 50 रुपए में, क्वालिटी बहुत जेन्युइन है और काफी अच्छा माल है। ये बस जोरासिक वगैरह में थोड़ी लिखने विकने में वो हो जाती है, वरना कंपनी का ओरिजिनल माल है और बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। ये सभी अंडरवियर भाई यहाँ पे H&M कंपनी के हैं और ओरिजिनल माल है। ये यहाँ पे भाई लड़की लोगों का सामान देखो, ये गाइज यहाँ पे ज्वेलरी सेक्शन है और काफी अच्छी अच्छी ज्वेलरी वगैरह है सब कुछ, और काफी चीप रेट्स पे है।
ये चेन्स वगैरह हैं और सारी ज्वेलरी वगैरह सब्यसाची और ऐसे ही सभी ब्रांड्स की हैं। ये गाइज यहाँ पे जैकेट वगैरह देखो और यहाँ पे काफी सी हाफ बाजू की जैकेट और उस तरफ फुल बाजू की जैकेट रखी हुई है और सब कुछ बहुत रीजनेबल कॉस्ट पे है। ये मम्मी को देख लो भाई ट्राई करते हुए। ये भाई यहाँ पे आप छू के बिल्कुल क्वालिटी देखोगे, बिल्कुल मलाई चीज है और काफी अच्छी कॉस्ट में है। ये कोट वगैरह हर चीज है और ये सामने फर्श वाले जैकेट्स वगैरह सब कुछ रखा हुआ है, कोट वगैरह जैकेट्स वगैरह। बाकी अभी आपको पूरा दिखाते हैं। ये यहाँ पे भाई मेंस की जीन्स है, वुमेन्स की भी रखी हुई है यहीं पे, मैन वुमेन सबकी जीन्स वगैरह रखी हुई है इस तरफ पे और हर कंपनी की बिल्कुल अच्छी क्वालिटी की मटेरियल मिल जाएगा। इस तरफ बूट्स वगैरह है, मोस्टली लेडीज के ही बूट्स लग रहे हैं। इस तरफ शूज वगैरह मेंस के भी हैं। ये देखो भाई ये भाई लोवर है यहाँ पे और जिस भी कंपनी किसी भी कंपनी के हो जितने भी लोवर्स हैं सभी 400 के प्राइस पे हैं। और इस तरफ गरम लड़कियों के लेगिंग्स वगैरह भी लगी हुई हैं, सब कुछ 400 पे और क्वालिटी और बिल्कुल छूने से बिल्कुल ऐसे पता चल रहा है जेन्युइन क्वालिटी है बिल्कुल। ये इस तरफ भाई मेंस की शर्ट वगैरह हैं, सब कुछ शर्ट में भी ऑप्शंस बहुत हैं भाई और हर कंपनी के यहाँ पे H&M, जारा, लेवाइस, बेंटन, आप जो भी कंपनी सोचोगे यहाँ पे उसका मटेरियल अवेलेबल है। ये इस तरफ शर्ट्स वगैरह देखो, ये जैकेट्स, ये वुमेन्स के वन पीस वगैरह हैं। इस तरफ टी शर्ट्स वगैरह हैं गरम और बिल्कुल छूने में एकदम मलाई है। ये छोटे बच्चों के भी यहाँ पे यार जैकेट्स वगैरह, जीन्स वगैरह, ये जीन्स है ऊपर, ये जैकेट कितनी प्यारी है और क्वालिटी बिल्कुल जेन्युइन है एकदम। ये देखो आप अंदर से, और ये भाई इस तरफ है हुडी वगैरह हर कलर की अवेलेबल है, हर कलर और हर कंपनी की मिल जाएंगी आपको यहाँ पे। 700, 800, 900 इसी रेंज में है सारी। इस तरफ कोट्स वगैरह और ये गरम जैकेट्स वगैरह देखो, अगर स्टोर पे लेने चले जाएं तो यही माल 4-5 हज़ार से कम नहीं मिलेगा, यहाँ पे 700 में है ये। और नीचे फर्श वाली देखो, ये भाई मोटी मोटी और रूमक वाली होती हैं, ये अपने बजट से बाहर हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे सब कुछ अपने बजट में आ जाता है। ये पीछे से भी देखो, हर टाइप का कलर वगैरह अवेलेबल है। नीचे भी भाई लगे हुए हैं और ये इस तरफ कोट्स वगैरह हैं। ये देखो भाई शेड शेड नहीं बनना हो किसी को, भाई छू के बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे शेर को छू दिया हो। कॉस्ट देखो भाई सिर्फ 700 की है, बाहर जाओगे यही 5-7 हज़ार से कम नहीं मिलेंगी जिस क्वालिटी में है। ये गर्ल्स की हुडी वगैरह है, ये लेदर की जैकेट, डेनिम की जैकेट, अभी मैं 7 हज़ार की एक डेनिम की जैकेट लेके आया था, उसमें ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है इन लोगों से। नीचे लेदर की देखो भाई, आशु उधर से जैकेट उठा ले यार, नीचे इधर है नहीं ना सर, कस्टमर को दिक्कत हो रही है। और जैकेट्स की क्वालिटी काफी अच्छी है और ये सर्दियों के लिए देखो, ये फर्श वगैरह वाली देखो भाई बिल्कुल ऐसे बालू है। ये इस तरफ देखो,
देख लीजिए सर, इस पे 20% डिस्काउंट है। शेर, चीता, भालू, लेदर पे और इन पे ऑलरेडी है, तो बहुत इनका प्राइस ही बहुत ज्यादा रीजनेबल है, उसके बाद तो और ज्यादा वो सस्ती पड़ गई आपको। इन पे भाई 20% डिस्काउंट और पहले ही बहुत ऑफर, उसके बाद भी। और ये यहाँ पे मैनेजर साहब है, सबको अच्छे से गाइड कर रहे हैं। ये देखो भाई, लॉन्ग कोट्स वगैरह, गरम ठंडे हर प्रकार के हैं। और इस तरफ से भाई जैकेट देखो कितनी अच्छी लग रही है टंगी हुई भी। और इसकी कॉस्ट चेक करते हैं, और मात्र 1500 की है भाई। शोरूम वगैरह, अच्छा उसपे उसपे भी 30% डिस्काउंट है गाइस। और ये शोरूम पे लेने जाओगे 5-7 हजार से कम कहीं नहीं मिलने वाली। और 1500 होने के बाद 30% डिस्काउंट तो बिल्कुल भाई फ्री में पड़ जाएगा, ऐसे ही शॉपिंग होगी। ये देखो फर वाली कितनी भी सर्दी, कुल्लू मनाली जहाँ भी आपको जाना है हर जगह की शॉपिंग कर सकते हो आप यहाँ से। ये देखो यार हमारी सिस्टर ये उठा के खड़ी है, ये एक वन पीस है, अगले वाला दिखाइयो। और ये वाला तो गाइस काफी प्यारा लग रहा है। क्या कॉस्ट है इसकी? 800 में है गाइस, और क्वालिटी काफी अच्छी है। ये देखो आप खुद नजदीक से देखो, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी है। और ये देखो गाइस ब्लैक बूट के ऊपर, ब्लैक बोट इसके नीचे, उसके ऊपर ये बिल्कुल अच्छा लगेगा। और इसका भी प्राइस इतना ही है। और भाई लड़कियां और इनकी शॉपिंग अलग ही लेवल पे है। ये साथ में जितने भी दिख रहे हैं सारे पजामे उठा लिए इसने, इन सबको ये लेने वाली है। भाई लड़की लोगों के साथ शॉपिंग करने आ जाओ, इन्होंने हर एक चीज देखी है, A to Z चीज वहां से शुरू होके हर चीज इन्होंने चेकआउट की है। कितनी खुश है, और इनकी खुशी की कोई सीमा नहीं है। और ये हमारी मम्मी लोग यहाँ पे इतनी बिजी हो रखी हैं, इतनी बिजी हो रखी, हर चीज चेक की इन्होंने। और ये टी शर्ट देखो भाई, और कपड़ा वगैरह बिल्कुल अच्छा है। ये मम्मी मेरे को कह रही है कि तू देख ले अपने लिए। इस तरफ ये सारी टी शर्ट ही हैं और सारी काफी अच्छी हैं। भाई इसने यहीं पे ट्रायल स्टार्ट कर दिया है, देखो अच्छी लग रही है टी शर्ट तो, और इसको बिल्कुल परफेक्ट भी आई है। एंगल क्यों बदल दिया गाइस, देखो ये टी शर्ट काफी अच्छी लग रही है इस पे, और बहुत अच्छा कपड़ा है इसका। और इसने इसके ऐसी ही बहुत सारी टी शर्ट है, और ये तो इसको बिल्कुल परफेक्ट आई है। कैसा लग रहा है? दूसरी ट्राई देखो भाई, इसने दूसरी ट्राई कर ली है, ये उससे ज्यादा अच्छी लग रही है। और आप लोग बता दो कौन सी अच्छी लग रही है। ये यहाँ पे गाइस गर्ल्स की शर्ट, स्कर्ट्स वगैरह है, ये देखो भाई। ये गाइस शर्ट देखो कितनी प्यारी प्यारी शर्ट्स हैं गर्ल्स की। ये वाली दिखाना, ये वाली भी देखो, इसकी कॉस्ट बस 500 रुपीज की है। और ये वाली बेनेटन की है, और ये वाली H&M की है, और कॉस्ट काफ़ी अच्छी है इनकी, बस 500 रुपीज में कहाँ मिलती हैं H&M की, और बिल्कुल ओरिजिनल क्वालिटी है। ये देख लो गाइस, ये पर्स वाली बिल्कुल, और सर्दी कैसी भी सर्दी हो पता नहीं लगने देगी। ये मेरी बहन की शर्ट देखो, ये बस 500 में है। ये देखो गाइस गर्ल्स का कितना प्यारा टॉप है, टॉप क्या ये वन पीस है, दोनों के दोनों कितने प्यारे हैं। और इनकी कॉस्ट मात्र 800 रुपये, और क्वालिटी बिल्कुल जेन्युइन और ओरिजिनल है। ये वाली जैकेट देखो गाइस, ये मात्र 1000 रुपीज में है, और उसके बाद इन सब पे 30% ऑफ भी है। यहाँ पे जितनी भी बच्चों की जैकेट्स वगैरह हैं
अगर आपके छोटे बच्चे हैं जरूर आओ, यहाँ पे 30% ऑफ है। और लेडीज लोग के लिए तो इतने ऑप्शन है, और आदमियों के लिए ही भाई जरूर आना भाई, सब बहुत अच्छा है सब। ये देखो गाइस सर्दी के लिए कितना अच्छा लग रहा है, ये दिलवा रहा हूँ मैं मेरी बड़ी मम्मी के लिए। अभी पहाड़ों वाड़ों में जाओ अपने ये पहन लो, किसी चीज की टेंशन नहीं है, अंदर से गर्म पजामी वगैरह और एक यही काफी हो जाता है। और क्या है ये छोटे छोटे कपड़े हो गाइस, और एक ये जैसी छतरियां वो जापान की वेब सीरीज में मिलती है ना कलरलेस, वो छतरियां भी है यहाँ पे। अभी आपको खोल के दिखाते हैं ये छतरियां, देखो गाइस बिल्कुल प्यारी लग रही है हर चीज। बाकी जो भी चीज भी देख रहे हैं उसको देख के ऐसा ही लग रहा है कि बस खरीद लो खरीद लो, लेकिन इतनी चीजें खरीद के करेंगे क्या। बाकी यार हमारी शॉपिंग वगैरह हो गई है, ये सारी चीजें खरीद ली हैं हम लोगों ने, अभी देखते हैं बिल वगैरह करवा के, बाकी फिर हम कौन सा दूर है बाकी फिर जरूरत पड़ी फिर आ जाएंगे। यार सारी शॉपिंग वगैरह कर ली है, बिल वगैरह पे कर दिया, लगभग 7,000 का बिल आया हमारा। बाकी भाई बहुत अच्छा है, जो भी देखे जरूर आके विजिट करना। बाकी भैया इसकी लोकेशन क्या पड़ती है यहाँ पे? ये पड़ता है 268 फेज 4, 268 फेज 4 उद्योग विहार में पड़ता है भाई, जो भी आए सारे देखना। बाकी जीवन मीडिया करके सर्च कर लेना आ जाएगा। शॉपिंग वगैरह करके आ गए हैं भाई, अब अपना खाने पीने के लिए यहाँ पे सिंगला पे रुक गए हैं। यहाँ पे बढ़िया मैच वगैरह चल रहा है, मैच देखते हुए मैच का आनंद लेते हुए अपने खाएंगे छोले भटूरे और स्पेशल थाली वगैरह मंगवा लिए, सुबह से कुछ नहीं खाया था। चलो बाकी आपको बताते हैं, प्लेट करते हैं टेस्ट कैसा है। मीठे के लिए भाई गुलाब जामुन मंगवा लिए, 3 गुलाब जामुन आए, तीनों अलग अलग स्टाइल के गुलाब जामुन मंगवा लिए हैं। विराट कोहली भाई 99 पे पहुंच गया, फाइनली लग रहा है विराट की ओडीआई में भी सेंचुरी आ ही जाएगी 3 साल बाद, देखते हैं पूरा रिएक्शन बनाएंगे। और ये हो गए भाई विराट की सेंचुरी, ओडीआई में भी फाइनली आ गई है, द किंग इज बैक, किंग इज बैक गाइस। अरे एक बार जब कोहली मारने लगता है फिर नहीं रुकते, बस ओडीआई वर्ल्ड कप में भी यही फॉर्म हो, इस बार वर्ल्ड कप जीतना इंडिया को। कि भाई अपना खाना आ चुका है, 3 प्लेट छोले भटूरे करवाए थे हमने, 1 स्पेशल थाली कराई थी, दिखने में तो थाली काफ़ी बढ़िया लग रही है, छोले भटूरे भी काफ़ी अच्छे हैं, ये सिंगला का टेस्ट तो बढ़िया है ही। और ये कोहली भाई का शॉट देख लो, खा पी के भाई जलेबी मंगवा ली है मीठे में, जलेबी खा पी के मज़ा आ जाएगा, फिर निकलते हैं अपने घर।